हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम गैंग्लियन के बारे में एंड कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में देखेंगे। गैंग्लियन में हमें डॉर्सम ऑफ द रिस्ट पर सिस्टिक स्वेलिंग देखने को मिलेंगी। इसमें टेंडन शीट या फिर तो जॉइंट कैप्सूल का म्यूकॉइड डिजनरेशन होगा। स्वेलिंग के अलावा कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। समटाइम्स माइल्ड डिस्कम्फर्ट या फिर तो पेन एक्सपीरियंस होगा। टेंडन शीट पर सिस्ट जो है वो सॉलिड ट्यूमर के जैसे रिसेम्बल होगा। सिस्ट जो है वो मल्टीलोक्यूलेटेड होगा। ट्रीटमेंट में हम सिस्ट का एस्पिरेशन करेंगे और उसके बाद हम पेशेंट को हाइलेज का इंजेक्शन देंगे। अगर सिस्ट वापस से होता है तो हमें एक्सीजन करवाना पड़ेगा। कार्पल टनल सिंड्रोम, इसमें मीडियन नर्व जो है वो फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम के बीनिथ से पास हो रही होगी, जो कि कंप्रेस हो जाएगी, जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलेगा। कॉजेज, अगर कार्पल टनल में कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन होता है तो उसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होगा। अदर कॉजेज आर द कॉमनेस्ट कॉजेज इडियोपैथिक इन्फ्लामेटरी कॉजेज जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड रिस्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस, पोस्ट ट्रॉमेटिक कॉजेज जैसे कि बोन थिकनिंग आफ्टर कुलीज फ्रैक्चर, एंडोक्राइन कॉजेज सच एज मिक्स एडिमा। क्लिनिकल फीचर्स, कार्पल टनल सिंड्रोम यूजुअली मिडल एज्ड वुमेन में देखने को मिलता है और उनकी कंप्लेंट्स होगी टिंगलिंग, नमनेस, डिस्कम्फर्ट इन द थंब, रेडियल वन एंड हाफ फिंगर्स, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूट करती है वहाँ पर। टिंगलिंग ज़्यादा प्रोमिनेंस हो जाएगी जब पर्सन सो रहा हो। जब पर्सन कोई भी मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा होगा तब क्लम्जीनेस की फीलिंग आएगी। ऑन एग्जामिनेशन कंडक्शन ऑफ द इम्पल्सिस जो है इन द मीडियन नर्व अक्रॉस द रिस्ट एब्सेंट हो जाएंगे या फिर तो डिले हो जाएंगे। ट्रीटमेंट में हम फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम को डिवाइड कर देंगे एंड दस नर्व जो है वो डिकम्प्रेस हो जाएगी।